नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 4000 घंटे का वास्ते में आप किस तरह से गेन कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही आसान है, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। 4000 घंटे का अगर आप कहेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा पेड के थ्रू। आप करना चाहते हैं अगर तो आप कर सकते हैं पेड के थ्रू। 4000 घंटे का वास्ट टाइम आपको मिल जाएगा, पर उससे आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। पेड में यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आप किसी के थ्रू करवाएं, वो आपको फेसबुक के जरिए या किसी भी अदर सोशल नेटवर्क पर आपकी वीडियोस को शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद जो है आपके वीडियोस पर, आपके चैनल पर 4000 घंटे का वाच टाइम आ जाएगा। पर YouTube क्या मांगता है आपको पता है? YouTube के अकॉर्डिंग कम से कम 40% यूट्यूब सर्च से आपके चैनल पर, आपके वीडियोस पर वाच टाइम होना चाहिए यूट्यूब सर्च से। अगर आप पेड करते हैं किसी को, सबसे पहला ऑप्शन अगर किसी को पेड करते हैं दूसरे को, तो वो जाहिर सी बात है यूट्यूब से सर्च करवाएगा नहीं, वो किसी सोशल नेटवर्क पर, अदर सोशल नेटवर्क पर आपकी वीडियो को शेयर कर देगा, अदर प्लेटफॉर्म पर आपकी वीडियो शेयर करेगा। उससे जो व्यूज आएंगे, जो उससे वाच टाइम आएगा, वो वाच टाइम शेयर के हिसाब से काउंट होगा, ठीक है। तो यूट्यूब सर्च का वाच टाइम काउंट नहीं होगा, सबसे मेन यहाँ पे है। दूसरा ऑप्शन आता है आप गूगल ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं गूगल ऐड का, गूगल ऐड में। लेकिन यहाँ पे जिस वीडियो का, मान लीजिए आप 5000 रुपये आप लगाते हैं, तो जिस वीडियो के लिए आप लगाएंगे उस वीडियो पे अगर 1 मिलियन व्यूज भी आ जाते हैं और वाच टाइम 4000 घंटे वो कंप्लीट भी कर लेता है वो अकेला वीडियो, तो वो वाच टाइम काउंट नहीं होगा यूट्यूब में। वाच टाइम वो काउंट होगा जो उस वीडियो को देखते हुए आपके चैनल पर कोई व्यक्ति जंप करता है, ठीक है। कोई भी जो पब्लिक आती है आपकी वीडियो पर, जो ट्रैफिक आता है उस वीडियो पर, जो जिस पर ऐड लगा हुआ है, उसके थ्रू आपके चैनल पर जंप करके आपकी दूसरी वीडियो अगर देखता है, तो वो वाच टाइम आपका जो है काउंट होगा। उस वीडियो का वाच टाइम काउंट नहीं होगा। हाँ, भले ही एक ही वीडियो में 4000 घंटे का वाच टाइम मिल जाए, हालांकि ये फिक्स मिल जाएगा, लेकिन वो 4000 घंटे का वाच टाइम काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 4000 घंटे आप किस तरह से गेन करें। 4000 घंटे दो तरीके सबसे आसान हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूँगा दोनों तरीक़ों को आप अवॉइड कर दीजिए, दोनों के चक्कर मत पड़िए। आप वीडियो बनाते रहिए, कोशिश करिए कि यूट्यूब सर्च से आपकी वीडियो 40% देखी जाए। अपनी वीडियो को शेयर मत कीजिए, और इंतज़ार कीजिए, कम से कम 2-4-6 महीने का समय दीजिए अपनी वीडियोस को, किसी भी वीडियोस को रैंक करने के लिए यूट्यूब पर सर्चेबल में आने के लिए, ठीक है, सर्चेबल वीडियो बनने के लिए उसको, और हाई रैंक मतलब हाईलाइट होने के लिए, उसकी रैंक हाई हो जाएगी तो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगी। तो कुछ समय इंतज़ार कीजिए, मैक्सिमम 6-7-8 महीने इंतज़ार कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बस चैनल बनाते ही वीडियो अपलोड करते हैं उस पर 1 मिलियन 4000 घंटे का वाच टाइम वगैरह वगैरह कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा सब्र कीजिए, यूट्यूब अगर आपने बनाया है तो थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।